a very healthy morning all of you welcome to the virtual classes of oscar public school i am your social science teacher namisha i hope you all are taking good care of yourself so today we are just continue the chapter number six and what is the name of our chapter the early states but in this chapter we already read about the political system political system of uh Political system of these states. So basically, in these states, we have already read about the many which collectively formed a Janpada, and Janpada was headed by Janpati. And over the time of period, this Janpadas grew in the structure as a strong political entire by acquiring more territories and come to become a Mahajanpadas. And basically, how many Mahajanpadas are there? Sixteen. How many Mahajanpadas are there? 16 so these are some mahajanpadas uh, the basically mahajanpadas was governed into two different ways the first one is monarchically uh, monarchies uh, governance and the second one is republic type of republic form of government we have already read about the expansion of territories maintaining the armies taxation currency and growth of trade, development in agriculture and social evil of the class discrimination and scientific development. And these let's check we have already done. So now in today's class, we are just going to study about the Magad. But in last thing, we have already read this Magad and Vajji were the two of the famous Mahajanpada of this period. विच मन इज मगध एंड वजी वर द टू ऑफ फेमस महाजन पदार्स इन दिस पीरियड सो इन टूडेज क्लास वी वी आर रीडिंग और स्टडी अबाउट दीज बोथ इन दोनों के बारे में हम आज पढ़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टडी अबाउट द मगध सो बेटा मगध वॉज द वन ऑफ दिक्सटीन महाजन पदार्थ और किंगडम इन एशियन सी दिस किंगडम इन एशियंट इंडिया द सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस किंगडम वॉर लोकेटेड इन मॉडर्न बिहार विच लाइज साउथ ऑफ द गंगा मगध इज द फर्स्ट कैपिटल मगध फर्स्ट कैपिटल वॉज राज वॉट इज दैट मगध फर्स्ट कैपिटल राजगृह नाउ इज राजगीर ओके अभी के टाइम पे हम उसे क्या कहते हैं राजगीर इट वॉज लेटर शिफ्टेड टू पाटलिपुत्र सबसे पहले मगध की कैपिटल क्या थी राजगृह एंड आफ्टर दैट इट्स शिफ्टेड टू पाटली पुत्र जिसे हम आज की डेट में पटना के नाम से जानते हैं द मगध एम्पायर गेन मच पावर एंड इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग द रूल ऑफ किंग द वेरी फेमस किंग आर किंग बिम्बिसारा द नेम इज किंग बिम्बिसारा एंड हिज सन एंड सक्सेसर र अजात शत्रु ठीक है दीज आर द टू फेमस किंग द फर्स्ट वन इज बेम्बेसारा एंड द अनादर वन इज अजात शत्रु द किंग हेल्ड द फेमस अश्वमेघ यज्ञ बेटा एज यू नो दैट पावरफुल किंग ही अश्वमेघ यज्ञ कराते थे सो अश्वमेघ यज्ञ एंड कैप्चर मैनी पार्ट्स ऑफ नेबरिंग महाजनपदास दिस एम्पायर दिस एम्पायर इज अलोंग द रिवर ganga's river and the kingdom of koshala and kashi were annexed this magad empire fight the grooms battle which of the its neighbor it has a advanced form of weaponry because beta magad have a finest weaponry about that time because of this because of this opponent didn't didn't have a chance this is the magad beta दिस इज द प्रीवियस प्रीवियस मै प्रीवियस मैप यहाँ पर आपको देखें दिज आर द एरिया ऑफ मगध सो इट हैज़ अ वेरी स्पेशल फॉर्म और एडवांस फॉर्म ऑफ वेपनरी किसके पास मगध के पास मगध के पास देयर इज़ द एडवांस फॉर्म्स ऑफ वेपनरी वेपनरी मीन्स बहुत सारे uh, बहुत सारे वेपन को आप हिंदी में कह सकते हैं अस्त्र शस्त्र थे बिकॉज ऑफ दिस इच इज अपोनेंट्स डिड नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट इन यानी कि जो इनके ओपोनेंट्स थे यानी कि उनके जो शत्रु होते थे उनके पास इतने अच्छी वेपन्स नहीं थे जिससे कि वो मगध के आगे जीत पाते अजाज शत्रु इवन बिल्ट ह्यूज फोर्ट एट हिज कैपिटल पाटली पुत्र यानी कि आजाद शत्रु ने दे हैव टू मेक अ फोर्ट एक फोर्ट भी बनाया बड़ी बड़ी ऊंची दीवारें भी बनाई जिससे एंड ऑन हिज कैपिटल पाटली पुत्र एंड वाई इज़ मगध इज़ सो फेमस और पावरफुल सो वी कैन जस्ट रीड इन दिस पैराग्राफ मगध बिकम द मोस्ट पावरफुल महाजनपदा एज इट्स लैंड वेरी फर्टाइल एंड इट इज लेड टू प्रोस्पैरिटी बेटा लैंड फर्टाइल होगी तो फार्मर अच्छा चीज़ें ग्रो करेंगे अच्छी चीज़ें ग्रो करेंगे तो वहाँ पर लोगों को खाने की कमी नहीं होगी एंड ट्रेड भी होगा गट इट देर वॉज अ लार्ज डिपोज़िट ऑफ आयरन और विच इज़ यूज फॉर मेकिंग वेपन एंड टूल्स यानी कि मगध में क्या था आयरन भी बहुत ईजिली अवेलेबल हो पाता था जिसकी वजह से वेपन्स एंड टूल्स बनते थे मैनी रिवर फॉलोइंग इन दिस रीजन प्रोवाइडिड वाटर फॉर इरीगेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मीन्स यानि कि उसके वाटर के थ्रू पीपल जो है लाइक शिप एंड बोट के थ्रू एज इन ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते थे एंड इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू डिफेंड द टेरिटरी फॉर्म ऑफ इंडवेंडर्स यानि कि जो लोग क्या पानी के रास्ते भी जाकर किसी के ऊपर आक्रमण अटैक कर सकते थे The forest in this region provided timber, timber means wood, which were used to make chariots, chariot means rath, and provided animals like elephant which were effective war resources. But now you can see. कि मगध में आपको फर्टाइल लैंड भी है देयर इज़ अ आयरन और ऑल्सो देर हैव अ रिवर फॉलोइंग फॉलोइंगेयर विच विच इज दैट वाटर इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मगध हैव अ फॉरेस्ट एंड टिम्बर आल्सो विच इज़ यूज्ड टू मेक अ चेरियट्स एंड देयर इज़ अ एलिफेंट्स ऑल्सो टू सी द इफेक्टिव वॉर रिसोर्सेज विद एन अनमैच मिलिट्री फोर्स यानी कि इतनी पावरफुल मिलिट्री फोर्स थी किसकी मगध की बेटा एन यू मगध इज़ अ मोनार्की टाइप ऑफ़ गवर्नेंस यानी कि यहाँ पर किंग एंड क्वीन किंग और आ, उनका बेटा राज करता था सो देयर इज़ अ मोनार्की टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड मगध हैज़ अ अनमैच मिलिट्री फोर्स यानी कि उनके मैच के जैसा कोई और मिलिट्री फोर्स नहीं थी द मगध एम्पायर नेचुरली हैड अ एडवांटेज ओवर द अदर किंगडम्स इन कॉन्क्वेरिंग अ नेबरहुड किंग एंड स्प्रेडिंग इट्स टेरिटरी। यानी कि मगध के जैसा आसपास में और कोई महाजनपदास नहीं था द पावरफुल रूलर्स यूज द बेनिफिट ऑफ लैंड एंड द रिसोर्सिस टू गेट देयर एडवांटेज एंड मेंटेन एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेशन दिस लेट टू मगध बींग एक्सेप्टेड द मोस्ट पावरफुल ऑफ दिस सिक्सटीन महाजनपदार्स आफ्टर द डैथ ऑफ किंग उद्यान द मगध एम्पायर स्टार्टिड टू डिक्लाइन वेरी रैपिडली डिक्लाइन मीन्स खत्म होना टूटना ठीक है सो रैपिडली मीन्स वेरी फास्ट सो आफ्टर द लास्ट मुगल सॉरी आफ्टर द लास्ट किंग उद्यान विच वॉज फ्रॉम मगध एम्पायर स्टार्टिड टू डिक्लाइन वेरी रैपिडली इंटरनल डिस डिस्टर्बेंसेज यानी कि अब आपस में छोटे छोटे राजा लड़ने लगे थे एंड करप्शन होने लगा था करप्शन मीन्स लोग पैसों के लिए किंग uh, को धोखा देने लगे थे विद इन द किंगडम लेट इट्स डिक्लाइन द मगध एम्पायर वॉज़ फाइनली टेकन ओवर द पावरफुल नंदा डायनेस्टी मगध के बाद कौन सी डायनेस्टी आई नंद डाइनेस्टी हु देन रूल्ड इट फॉर गुड अमाउंट ऑफ टाइम बिफोर बींग टेकन ओवर बाय द मौर्यास बेटा सबसे पहले मगध एम्पायर था देन आफ्टर दैट नंदा डायनेस्टी देन आफ्टर दैट मौर्यास गॉट इट देन नेक्स्ट अनदर वेरी पावरफुल महाजनपदा दैट इज अ वजी दैट इज़ अ वज्जी वज्जी वॉज द अनदर महाजनपदा बट दिस वॉज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मगध एम्पायर मग वज्जी भी कैसा था बहुत पावरफुल महाजनपदा था बट इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम मगध एम्पायर बिकज इट इज़ मेंटेन्ड अ रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवनेंस ठीक है रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस था मगध कैसा एम्पायर था मगध फॉलोड द मोनार्किकल फॉर्म एंड द वज्जी फॉलोड द रिपब्लिकल फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वज्जी महाजनपदा वॉज लोकेटेड इन बिहार नॉर्थ ऑफ द गंगा रिवर इट्स कैपिटल वॉज वैशाली इट्स कैपिटल वज्जी की कैपिटल क्या थी Vajji capital was Vishali. This Mahajanpada consists of eight clans or eight jan form of confederation. What is that? Confederation. What is the meaning of this confederation? It is an organization of small group with have a join together. What is that meanings of this confederation? Eight clans or jana confederation. It at a एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉलर ग्रुप विद है ज्वाइन टुगेदर तो एट क्लैन्स मिले थे आउट ऑफ दिस लच्छ वी वॉज द मोस्ट पावरफुल इन एट क्लैंस में से लच्छ जो था वो सबसे ज़्यादा पावरफुल था इट कन्जिस्ट ऑफ सेवरल संघ उसमें कितने सारे संघ आ रहे थे इन अ संघ देयर वर मैनी रूलर्स और उन संघ में कितने बहुत सारे रूलर्स भी थे they all come together to perform various ritual and use to take major policy decisions together this maintained a republic form of governance and unlike magad which follow a monarchical form the lack of coordination between large number of king made them weak over a पीरियड ऑफ टाइम यानी कि बेटा वज्जी भी कहाँ जाके वीक हुआ जब यहाँ पर लैक ऑफ कॉर्डिनेशन इतने सारे किंग हो गए कि उनमें आपस में कॉर्डिनेशन ठीक से नहीं हो पाया एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट बिकम्स अ वीक ओके सो नाओ बेटा योर चैप्टर इज़ कंप्लीट दिस इज द क्वेश्चन आंसर्स नेम टू फेमस किंग ऑफ मगध बिम्बी सारा एन अजातशत्रु राइट डाउन द इम्पॉर्टेंस ये आपको नहीं करना है बेटा बट हम लोग इसको डिस्कस करते हैं राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर फॉर मगध मगध ने रिवर uh, की इम्पॉर्टेंस क्या थी द इट इट इज रीजन प्रोवाइडिड द वॉटर फॉर इरीगेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू डिफेंड द टेरिटरी फॉर्म ऑफ इनवेंडर्स हाउ वर फॉरेस्ट यूजफुल फॉर मगध इम्पायर चल मी how were forests useful for magadha empire basically it provided the timber which were used to make chariots and provided the animals like elephant which were effective war resources name the capital of vajji mahajanpada that is vaishali सो so, बेटा दिस इज द एक्सरसाइज दिस एक्सरसाइज यू हैव टू डू इन यूर नोटबुक बेटा आपको चूज द करेक्ट ऑप्शंस में सारे ऑप्शन्स लिखने की नीड नहीं है राइट ओनली वन ऑप्शन एंड मेक द मेक द क्वेश्चन इज राइट द करेक्ट आंसर सो दीज आर द आंसर वी हैव ऑलरेडी डन इन दिस पिक्चर बाय टू हंड्रेड बी सी ई द टोटल नंबर ऑफ महाजनपद वर्ड सिक्सटीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अग्जाम्पल ऑफ रिपब्लिकन महाजनपदा अभी हमने पढ़ा है दैट इज अ वज्जी। हाउ मच ऑफ देयर प्रोड्यूस वर फार्मर्स रिक्वायर टू गिव अ टैक्स टू द किंग हाउ हाउ मैनी परसेंट आज देयर वन सिक्स्थ हाउ मैनी पार्ट आर देयर वन सिक्स्थ विथ साइंस डिड अथर हेल्प टू प्रोग्रेस दैट इज इन आयुर्वेद टू पावरफुल रूलर्स ऑफ मगध वर अभी हमने पढ़ा किंग बिंबिसारा एंड अजातशत्रु द कैपिटल ऑफ मगध शिफ्टेड फ्रॉम राजगृह टू पाटली पुत्र द मगध एम्पायर वॉज टेकन ओवर बाय द पावरफुल नंद डायनेस्टी वज ही कंजिस्टेड ऑफ एट क्लैंड ऑफ फॉर्म ऑफ कॉन्फ्रडेशन दिस इज द फिलन ब्लैंक्स वी हैव ऑलरेडी डन इट this flint the blanks and this true false this is the d part which have answer is this and this is the e part this is the answer is this so beta your chapter number uh,

okay and use pencil for writing on a book okay and very important thing beta speak in english when you are asking the question got it speak in english when you are asking the question on a query time and beta if you did not understand any particular word you can use the dictionary and if you don't have dictionary uh, you can check from the google बेटा इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यू हैव टू स्टडी योर सेल्फ गॉटिड एंड डू योर वर्क ऑन टाइम अगेन आई एम सेंग बेटा लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव अ पेंडिंग वर्क सो कम्प्लीट योर वर्क ऑन टाइम गोटिड बच्चे सो दिस पी डी एफ आई एम ऑल्सो शेयरिंग विद यू सो आपको ये काम अपना टाइम पे करना है बच्चे and as you know that uts are coming and i am also sharing the ut syllabus also Ke, uh, total 3 chapters will come in your ut and from the tomorrow onwards we are just revision of chapter uh, revision of ut syllabus got it thank you so much students for watching this video i hope you understand all the things thank you so much